और अंदर से शैम्पू आपको दिखाता हूँ किस टाइप का देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप का देखो, आपको सिल्वर कलर का जो है आपको जो शैम्पू देखने को मिलता है, हल्के से इसमें स्पार्कल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। व्हाइट या सिल्वर आप इस कलर को बोल सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब मुनसिब दोस्त, अच्छे हो गए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेडीवे एंटी लाइस शैम्पू का रिव्यू। तो आज की वीडियो में इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कैसे इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, और हफ्ते में कितनी टाइम इसका यूज किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी पैकिंग देखो, पैकिंग कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। स्मार्ट लेबोरेटरीज वालों का ये ब्रांड रहने वाला है जिन्होंने मेडीवे एंटी लाइस शैम्पू बनाया। बैजिंग आप इधर देख पा रहे हो दोस्तों। बात करो क्वांटिटी की, तो 50 ml क्वांटिटी का जो प्राइस मेंशन है वो है 60 rupees। अंदर से जो शैम्पू है अपना कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। छोटी सी बोतल है, क्यूट सी बोतल है, व्हाइट कलर की बोतल आपको देखने को मिलती है। जो फ्रंट में स्टिकर था सेम वही इस पर आपको बैक में स्टिकर देखने को मिलता है, ठीक है ना, सेम वही है, ठीक है ना। चलो एक बार इसको मैं आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें दोस्तों इंग्रेडिएंट का यूज़ कर रखा है। वीडियो को रोक के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के आप इसके जो इंग्रेडिएंट है वो रीड कर सकते हो। इसमें आपको एलोवेरा मिलता है, कपूर मिलता है, नीम ऑयल मिलता है, करंज बीम एक्सट्रैक्ट का यूज़ मिलता है, EDTA है, और गोधुमा का यूज़ मिलता है, एलोवेरा का यूज़ मिलता है, ग्लिसरीन है, कुछ परफ्यूम है, सोडियम मिथाइल पैराबीन है, सोडियम प्रोपाइल पैराबीन है। टोटली ये आयुर्वेदिक है, ठीक है ना। अब यूज़ कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब जिस भाई को जिस बहनों को लाइस की प्रॉब्लम है तो यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये शैम्पू जो है इसको डायरेक्ट अपने जो ड्राई हेयर्स है ना उस पर इसको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छी तरीके से अपने बालों को इसकी मसाज करनी है 3 से 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद इस शैम्पू को वॉश कर देना है, ठीक है ना। मतलब पहले कोई अदर शैम्पू नहीं लगाना है, ना कोई पानी लगाना अपने हेयर्स में। डायरेक्ट आपने शैम्पू को अपने हेड पे अप्लाई करना है, हेड के बालों पे, और कुछ इस टाइप से मसाज करनी है 3 से 4 मिनट, ठीक है ना। जैसे ये आपका हेड हो गया, इस पर बढ़िया से ऐसे मसाज करो पूरे हेयर्स में जड़ों तक। उसके बाद इस शैम्पू को वॉश कर दो। ये स्टेप क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद जब अपने हेयर्स को आप क्लीन कर लोगे पानी से, अच्छे से सुखा लोगे, सुखाना भी मत नहीं है लेकिन वेट जो होते ना, मतलब गीले बालों में ही इसको दोबारा से अप्लाई करना है। मतलब इतने बाल सुखा लेना जिससे पानी टपकना बंद हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद इसको दोबारा से अप्लाई करना अपने हेयर्स में। उसको बाद इसको कम से कम मान के चलो 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक अपने हेयर्स पे इसको लगा के छोड़ना, ठीक है ना। मैक्सिमम आप आधा घंटा भी इसको लगा के छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर इसको वॉश करना है। हफ्ते में आप इसका यूज 2 बार कर सकते हो, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 3 बार कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, भाई इसको यूज़ करने के बाद हमें कोई हेयर फॉल की दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा कंपनी का भी दावा नहीं है क्योंकि इसमें टोटली आयुर्वेदिक एक नेचुरल जो प्रोडक्ट है इसमें यूज़ कर रखे इनग्रीडियंट, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है और इसकी जो 3 ईयर की सेल्फ लाइफ आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब भी इसको यूज़ कर लो तो अच्छे से आप इसको बंद करके रख देना चाहिए, देखो। और कैप इसका बहुत ही तगड़े तरीके से टाइट होता है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी जोर लगाना पड़ता है तब जाके ये कैप खुलता है। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लव यू और ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए मैं हमेशा ऑन करता हूँ। जो भी वहाँ से पूछोगे उसका जवाब जरूर दूंगा। चलो बाय बाय।